दोस्तों WhatsApp का फिंगरप्रिंट लॉक फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है, जिससे आप अपने WhatsApp पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाकर उसकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि WhatsApp में ही यूज़र को फिंगरप्रिंट लॉक का फीचर मिलता है, जिससे कोई भी अपने WhatsApp अकाउंट पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकता है। लेकिन इस फीचर को ऑन करने के बाद कई बार WhatsApp अनलॉक करने के लिए कई यूज़र्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब भी वो फिंगरप्रिंट सेंसर में टच करते हैं तो इस तरह से उन्हें फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज ट्राई अगेन की एरर शो होती है, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से वो अपना WhatsApp अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और अगर आप बार बार फिंगरप्रिंट सेंसर में टच करते रहेंगे तो इस तरह से आपको एरर शो होगी, जिसके बाद आप 30 सेकंड्स के बाद ही फिर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई गारंटी नहीं कि आपका WhatsApp अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके थ्रू आप इजीली इस कंडीशन में भी अपने WhatsApp अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अपने WhatsApp के फिंगरप्रिंट लॉक को तोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं WhatsApp के फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे तोड़ते हैं। तो दोस्तों, WhatsApp के फिंगरप्रिंट लॉक को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, और सेटिंग पेज में आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर यह ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप सेटिंग पेज में सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। तो आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने टॉप पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस में इस तरह से आपके WhatsApp का फिंगरप्रिंट आ जाएगा, जो आपने WhatsApp में सेट किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैनेज फिंगरप्रिंट्स के सामने एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और टॉप राइट कॉर्नर में रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनली रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका फिंगरप्रिंट रिमूव हो जाएगा और आपके WhatsApp पर भी फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अब अगर आप अपने WhatsApp को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका WhatsApp ओपन हो जाएगा, वो भी बिना फिंगरप्रिंट लॉक के। तो इस तरह से दोस्तों, आप इजीली अपने WhatsApp के फिंगरप्रिंट लॉक को तोड़ सकते हैं और अपने WhatsApp अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल पर सेट कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।